अगली खबर आ रही है इंदौर से, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 अक्टूबर से एक बार फिर 24 घंटे खुल गया है। इसी साल 27 मार्च से रात को 11 से सुबह 6 बजे तक एयरपोर्ट को बंद कर दिया था। 24 घंटे एयरपोर्ट खुला रहने से नई उड़ानें भी जुड़ेंगी। इधर नए विंटर शेड्यूल में पूरे जाने वाली फ्लाइट के टाइम टेबल में बदलाव कर इससे रात में शिफ्ट कर दिया है। 24 घंटे खुले रहने और पार्किंग की संख्या बढ़ने से इंदौर को अलग अलग शहरों के लिए नई फ्लाइट मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंदौर से पूर्वोत्तर के लिए भी फ्लाइट मिल सकती है। शहर के सिख समाज के लिए अमृतसर से फ्लाइट शुरू करने की मांग भी की गई है, क्योंकि सीधी फ्लाइट होने पर इंदौर से पंजाब की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। वहीं इंडिगो की पहले इंदौर से सूरत के लिए फ्लाइट थी, जो कि बंद हो चुकी है। पार्किंग बढ़ने से ये फ्लाइट भी शुरू हो सकती हैं। एयरपोर्ट पर 15 और विमानों के लिए नया पार्किंग बे बनकर तैयार है। इसके शुरू होने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर एक साथ 26 विमान पार्क हो सकेंगे। मुंबई और पुणे एयरपोर्ट पर प्लेन पार्क करने के लिए स्पेस की कमी बनी रहती है। दिल्ली और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी पार्किंग उपलब्ध नहीं है। इंदौर एयरपोर्ट पर हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे की फ्लाइट तो रात में आएंगी। साथ ही पार्किंग स्पेस होने से अन्य शहरों के लिए भी एयरलाइंस नई फ्लाइट संचालित कर सकती हैं। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।